नमस्कार। अभी हाल ही में चीन के सैनिकों और भारत के सैनिकों की झड़प हुई अरुणाचल के त्वांग सेक्टर में। वहां पर दोनों सैनिक लाठी बाटा लेकर आपस में लड़े। इससे पहले आपने देखा होगा 2020 में गलवान घाटी में भी भारत के सैनिक और चीन के सैनिक भिड़े लाठी से, पत्थर से, सरियों से, और भारत के 20 सैनिकों ने अपनी शहादत दी और शहीद हुए, और चीन के भी 40 से 45 सैनिक मरे। तो आखिर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये भारत के सैनिक के पास में और चीन के सैनिक के पास में बंदूकें होती है, राइफल होती है, गोले बारूद होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं, ये इससे क्यों नहीं लड़ते? ये वहां सीमा पर बंदूक क्यों नहीं चलाते? ये लाठी से, पत्थर से, सरियों से क्यों लड़ते हैं? भारत पाकिस्तान सीमा पर अगर लड़ाई होती है, छोटी मोटी भी लड़ाई होती है, तो गोली चलती है, बारूद चलते हैं, लेकिन भारत चीन सीमा पर ऐसा नहीं होता। क्यों? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? भारत और चीन के सैनिक लाठी भाटा और सरियों से क्यों लड़ते हैं? उनके पास बंदूक होती है, उनके पास राइफल होती है, उनके पास बड़े बड़े टैंक होते हैं, उनसे क्यों नहीं लड़ते? आइए देखते हैं। इसका सबसे पहले एक रीजन है, 29 नवंबर 1996 को दिल्ली में एक समझौता हुआ, ध्यान रखना। 29 नवंबर 1996 को दिल्ली में समझौता हुआ चीन और भारत के बीच में। क्या हुआ ये देखिए आप। अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक और इंडिया एंड चाइना ऑन कॉन्फिडेंस मेजर्स द मिलिट्री फील्ड अलोंग द एलएसी इन इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया। 29 नवंबर 1996 को इंडिया और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ। समझौता यह हुआ कि एलएसी है, दोनों देशों की जो बॉर्डर है उसके आर्टिकल 6 के अंतर्गत एलएसी के 2 किलोमीटर तक कोई भी सैनिक गोला बारूद या बम विस्फोट यूज नहीं करेगा। आप क्या सोच रहे हो, सब कुछ ऐसे ही है, इसी बिना कारण से लाठी भाटा और सरिया से लड़ते? नहीं, 19 नवंबर 1996 को यह समझौता हुआ भारत और चाइना के बीच में कि एलएसी के 2 किलोमीटर के एरिया में न तो चीन के सैनिक न भारत के सैनिक गोला बारूद या कोई टैंक्स का उपयोग नहीं करेंगे, कोई भी बंदूक नहीं चलाएंगे। हाँ, लाठी से लड़ सकते हैं, भाटे से लड़ सकते, सरिया से लड़ सकते हैं, लेकिन गोली का प्रयोग नहीं करेंगे, बारूद का प्रयोग नहीं करेंगे, बम विस्फोट का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। ये दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। आर्टिकल 6, इस समझौते का आर्टिकल 6 क्या कहता है? एनएसी के 2 किलोमीटर तक कोई भी गोला बारूद बम विस्फोट यूज नहीं करेगा। इसका पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है कि विकास कार्य व सड़क बनाने के लिए विस्फोट करते हैं तो दोनों देश पहले विचार विमर्श कर एक दूसरे का सहमति ले। अगर एलएसी के आसपास अगर आपको सड़क बनानी है या कोई विकास कार्य करना है तो उसके लिए आपको बम विस्फोट करना है, तो फिर पहले दोनों देशों की सहमति होनी आवश्यक है, दोनों देश एक दूसरे से विचार विमर्श करें। इसका पॉइंट नंबर 3 देखिए आप। पॉइंट नंबर 3 है, सैन्य अभ्यास करते समय एक दूसरे देश की हानि ना हो। आप एलएसी के नजदीक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना होगा कि आप सैन्य अभ्यास करते समय आपका कोई भी बम दूसरे देश की सीमा पर ना जाए और उसको हानि ना पहुंचे। इस आर्टिकल में पॉइंट नंबर 3 में यह लिखा है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, अगर दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने हो तो एक दूसरे पर काबू रखेंगे और सेना के अधिकारी मामले को सुलझाएंगे। अभी त्वांग सेक्टर में यही हुआ, भारत के सैनिक और चीन के सैनिक आमने सामने अगर लाठी और भाटे से लड़े हो गए, फिर बड़ी मीटिंग हुई, बड़े अधिकारी आए और इन दोनों देशों के सैनिकों को समझाया और मामला शांत किया। ये पॉइंट नंबर 4 इस समझौते के तहत कि अगर दोनों देशों पक्षों के सैनिक आमने सामने हो जाएंगे तो बड़े अधिकारी आएंगे और मामले को सुलझाएंगे। तो इस कारण से दोनों देशों के सैनिक एलएसी के नजदीक, एलएसी के आसपास अगर आमने सामने होते भी हैं तो गोला बारूद और बम का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके पीछे ये समझौता है 29 नवंबर 1996 को हुआ। इसलिए आप देखते हो यार कि 2020 में गलवान घाटी में इतना बड़ा संघर्ष हुआ, भारत के 20 सैनिक मारे गए और चीन के भी सैनिक मारे गए। अभी हाल ही में त्वांग जो अरुणाचल प्रदेश में आता है वहां पर भी
लड़ाई हुई, लाठी पाटा जैसे आपका दिमाग भी आता है कि इनके पास बंदूकें होती, लेकिन बंदूकों का प्रयोग क्यों नहीं करते? इस वजह से नहीं करते हैं, इस समझौते की वजह से। यह समझौता वहां लागू होता है। हाँ, अगर कोई बड़ी लड़ाई हुई और सब कुछ हुआ तो यह समझौता टूट भी सकता है, दोनों देश आपस में बड़ा युद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको युद्ध से बचना है तो ये समझौता का पालन करना होगा। इसी कारण से दोनों देश के सैनिक लाठी भाटा और सरियों से लड़ते हैं, गोला बारूद और बंदूक का प्रयोग नहीं करते।